अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मिसिज मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी मैंगो खीर, क्योंकि आजकल मैंगो का सीज़न आया तो हम जी मैंगो के साथ कोई ना कोई जो है वो रेसिपी तैयार करते रहते हैं। तो माशाल्लाह मैंगो भी आजकल बहुत मीठे हैं, तो रंग रंग की जो है वो इसकी आप रेसिपीज तैयार करके पिएं और खाएं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। तो बनाने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ये बिल्कुल फ्री है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं और देखते हैं कि ये यमी सी, खूबसूरत सी और मज़ेदार सी जो है वो मैंगो खीर कैसे तैयार की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम जो है वो 6 टेबल स्पून जो है वो चावल ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2, 3, 4, 5 ये 6, ये हम 1 किलो चावल के साथ जो है वो मेयरमेंट करके पका रहे हैं। 1 किलो चावल के लिए 6 टेबल स्पून, अगर आपके पास टेबल स्पून नहीं है तो खाने वाली बड़ी चम्मच जो चावल वाली है आप वो 6 जो है वो चम्मच डाल के इनको अच्छी तरह धो के हम 3 से 4 घंटे के लिए भगो कर रख देंगे। चावलों को भिगे हुए जो है 4 से 5 घंटे हो चुके हैं और हमारे चावल यहाँ पर अच्छी तरह जो है वो सोख हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने एक ब्लेंडर जग ले लिया है, तो जिस पानी में हमने चावल भगोए थे वो पानी भी साथ ही डाल दिया है और सारे चावल जो है वो इसमें डालेंगे। और इसको बस 1-2 चक्कर के लिए जो है वो हम ब्लेंड कर लेंगे। ये इस तरह जो है वो दरदरे से हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पेस्ट हमने जो है वो इनका नहीं बनाया, आप देख सकते हैं इस तरह से दरदरे से हो गए हैं। यहाँ 2 बड़े आम का जो है वो गुदा है हमारे पास, हमने उसको काट कर जो है वो छील कर अच्छी तरह काट के ले लिया है। तो अब हम इसको ब्लेंडर जग में डालेंगे। और इसकी जो है फाइन सी प्यूरी तैयार कर लेंगे। हमारी मैंगो की प्यूरी जो है वो तैयार है। अभी यहाँ चूल्हे पे हमने देचका रख लिया है और इसमें हम 1 लीटर दूध डालेंगे, फुल फैट दूध है ये। इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया है तो इसी तरह हम 5 से 7 मिनट इसे जो है चमचा चलाते हुए तेज आंच पर जो है हम इसे पकाएंगे। आठ से दस मिनट हो गए हमारे दूध को इस तरह अच्छी तरह पकते हुए और चमचा हिलाते हुए। तो अब जो है इसमें डालेंगे ये इलायची कुटी हुई हमारे पास 1/2 चम्मच और जो हमारे पास जो है वो बादाम है कुटे हुए वो डालेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इनको पकाएंगे हम, चमचा मुसलसल लाते रहना है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं जो है वो बादाम और इलायची के पाउडर को पकते हुए। तो अब हमारे ये जो चावल हमने ब्लेंड करके रखे हुए हैं ये हम डाल देंगे। अब इसे मुसलसल चमचा चलाते हुए जो है वो पकाएंगे, चमचा हमने छोड़ना नहीं है क्योंकि चावल नीचे जो है वो लग जाते हैं। 15 से 20 मिनट लगेंगे और अच्छी तरह ये जब चावल जो है वो दूध थिक हो जाएगा और चावल मिक्स हो जाएंगे तब तक हमने इसे पकाना है।
आप देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट हो गए पकते हुए और हमारी खीर जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह जो है वो गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे। यहाँ जब खीर तैयार हो चुकी है बिल्कुल, तो हमने हाफ कप जो है चीनी ली है वो डालेंगे। हाफ कप जो है वो काफ़ी होती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं मीठा तो ज़्यादा भी आप अपने मुताबिक जो है वो डाल सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है केवड़ा एसन, जस्ट 2 से 3 जो है वो ड्रॉप वो डालेंगे। बहुत प्यारी सी जो है वो इसकी फ्लेवर आ जाएगा। चीनी मेल्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास है जी ये बलाई है घर के दूध की, अगर आप चाहें तो टेट्रा पैक की वो भी आप जो है वो इस स्टेज पे जो है वो शामिल कर सकते हैं। ताज़ा बलाई भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। ये भी मिक्स करेंगे, ये गरम गरम में मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह जो है ये भी मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं जी हमारी खीर बहुत अच्छी तरह जो है ठीक हो चुकी है। यहाँ हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर देंगे और इसके थोड़ा सा ठंडा होने का रूम टेम्परेचर पे जो है वो इंतज़ार करेंगे। ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा जो है वो ठीक हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारी चावलों की खीर जो है वो यहाँ पर तैयार है। हमारी खीर अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। यहाँ एक बाउल में हम खीर को डालेंगे। रूम टेम्परेचर पर भी जो है वो ये हमने ठंडी की है। अब इसमें ये जो हमने मैंगो प्यूरी तैयार की है वो शामिल करेंगे। तो अच्छी तरह जो है वो मिक्स करेंगे दोनों चीज़ों को। मेरा बाउल छोटा पड़ गया है। बहुत ही यूनिक सा जो है वो इसका टेस्ट होगा। यकीनन आपने ऐसी पहले खीर नहीं बनाई होगी। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत और कितनी यमी सी जो है वो हमारी गाजर की खीर तैयार है। इसे फाइनली जो है वो डिश आउट करते हैं। फाइनली जी हमारी मैंगो खीर जो है वो सर्विंग के लिए रेडी है। जितनी खूबसूरत ये देखने में है इंशाल्लाह इतनी ही खाने में ये मज़ेदार होगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।